मुजफ्फरपुर के सूर्यांश सिर्फ 13 साल की उम्र में 56 कंपनियों के सीईओ हैं। सभी कंपनियां 6 महीने में जमीन पर काम दिखाने लगेंगी। सूर्यांश अभी 10वीं के छात्र हैं और हर दिन 17 से 18 घंटे काम करते हैं। इनकी कंपनियां क्रिप्टो करेंसी, ई कॉमर्स, टेक, कैब, शेयर मार्केट, मैट्रिमोनियल साइट आदि के क्षेत्र में हैं और सूर्यांश कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड के अंदर 56 स्टार्टअप कर चुके हैं। सूर्यांश के पिता उनके काम में उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा उनकी कंपनी में 5 और को फाउंडर्स भी हैं। सूर्यांश का कहना है कि वे मुजफ्फरपुर को टेक हब बनाना चाहते हैं। एक व्यक्ति किसी कंपनी में सीईओ किस उम्र में बन सकता है, ये सवाल आप सोचते होंगे मन में। तो आपको लगता होगा कि एक उम्र तो बीत ही जाती है, लेकिन मुजफ्फरपुर के सूर्यांश महज 13 साल के हैं और एक साथ 56 कंपनी के सीईओ हैं। इन दिनों सूर्यांश का जिक्र काफी हो रहा है, काफी चर्चा में सूर्यांश है, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि क्या सच में सूर्यांश 56 कंपनी के सीईओ हैं, वो भी महज 13 साल में। सूर्यांश हमारे साथ है। सूर्यांश, तमाम दावे आपके तरफ से या तमाम जगहों पर की जा रही है कि आप सिर्फ 13 साल के, ऊपर से आप 56 कंपनी के सीईओ, कितनी सच्चाई है? जी, इसमें पूरी सच्चाई है। मैं सच में 13 साल का, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 2008 का, और अभी सच में मैं 56 कंपनी का सीईओ हूं। ये जो सारे टेक के बिजनेसेस हैं, ऑनलाइन सब कुछ आ गया, लेकिन धरातल पे चालू होने में कुछ कंपनियों को भी 2-3 महीने लगेंगे, बाकी हम लोग कुछ हफ्तों में लॉन्च करेंगे। इसके बारे में कहा जा रहा है कि आप एलन मस्क को, मुकेश अंबानी को, बिल गेट्स, तमाम लोगों को आपने पछाड़ दिया, क्या कुछ? इसमें सर, टेक क्रंच अमेरिका की लीडिंग मीडिया वेबसाइट है, जिसकी सब्सिडियरी क्रंच बेस दुनिया के 7 करोड़ बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स का डाटा रखती है। रजिस्ट्रेशन वगैरह की भी बात कही जाती है, तो इसमें आपकी कंपनी कितनी रजिस्टर्ड है, या फिर इसको लेकर जो सवाल है? तो MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से हमारी कंपनी 2014 को 18 जुलाई को रजिस्टर्ड हुई थी। इसके इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, CIN सब कुछ है हमारे पास। DIN है, जो भी डायरेक्टर्स अभी बने हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि आप 13 साल की उम्र में सीईओ नहीं बन सकते हैं, तो आप MCA के वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। सीईओ एक नौकरी होती है और नौकरी कितने भी उम्र का बच्चा कर सकता है। पहला आइडिया क्या था? पहला आइडिया था हमारा जैस बिजनेस और मंत्राफाई, दोनों एक सिमिलर आइडिया हो गया, बस उसमें क्रिप्टो करेंसी आ गई। 16 सितंबर 2021 को मैंने पापा के साथ डिस्कस किया था आइडिया को, उसके बाद अभी तक 56 स्टार्टअप्स आ गए। आगे भी आप स्टार्टअप्स, आगे जितने प्रॉब्लम्स मिलते जाएंगे उसका सॉल्यूशन के रूप में स्टार्टअप आते जाएंगे।